आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो छत्तीसगढ़ के शैशव अवस्था यानी जब छत्तीसगढ़ बन रहा था जब वो मध्य प्रदेश के साथ था और आज विकसित हो रहा है उस तमाम राजनीति को इन्होंने अपने करीब से देखा है अस्सी के दशक में सक्रिय राजनीति में आ चुके थे और जब केवल बाईस साल की उम्र थी जब देश में आपातकाल लगा था तब वो इंदिरा गांधी के विरोध में छात्र के द्वारा एक युवा से ही राजनीति में जुड़े थे हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं धनेन्द्र साहू जी जो कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कई कार्यकाल कई एक दशकों तक इनकी छत्तीसगढ़ की राजनीति देखी है धनेन्द्र जी आपने जब उन्नीस में कांग्रेस के विरुद्ध थे फिर आप कांग्रेस के एक बड़े आला कमान नेता हैं आज भी आप प्रथम पंक्ति के नेता है क्या वजह थी जो उस समय विरोध थे और अब कांग्रेस के साथ है आप देखिए हम लोग युवा थे उस समय और देश में आपातकाल के विरोध में नहीं किसानों के जो घर में रखा होता था धान उसको जबरिया उस समय की सरकार ने लेवी वसूली की आ, आदेश जारी किया था कि जबरदस्ती किसानों के घर से धान को निकाल करके उसको राजसात करना तो इसके विरोध में एक पूरा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हमारे रायपुर महासमुंद संभाग में यहाँ पर किसान नेताओं के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था तो चूंकि मैं एक किसान था और मेरी राजनीतिक शुरुआत ही दो मुद्दों पर लेकर के ही शुरुआत हुई हम युवा रहे उस समय तो एक तो किसानों के पक्ष में शुरू से रहा कि किसानों के जो भी शोषण या अन्याय हो रहा हो तो उसके ऐसे गतिविधियों में जुड़ना उनके साथ खड़ा होना ये हमारी एक राजनीति में आने की एक जो मन में जो भावना जागी कि हम किसानों के हित के लिए लड़े दूसरा विषय होता था कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग निर्माण हो ये दो मुद्दों को लेकर के ही राजनीति में मैंने आया तो उस समय किसानों के यही लेवी वाला जो विषय है उस पर काफी बड़ी राजनीतिक लड़ाई यहाँ के नेताओं के द्वारा लड़ी जा रही थी उसमें विपक्ष के लोग थे समाजवादी भी लोग थे जनसंघ के भी लोग थे लोकदल के भी लोग थे बहुत सारे लोग थे तो उसमें मैंने एक राजनीतिक शुरुआत उस समय हुई किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ और चूंकि वो विषय समाप्त हो गया उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ राज्य का विषय आया तो छत्तीसगढ़ निर्माण उस समय पवन दीवान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई प्रारंभ करी तो पवन दीवान के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में पूरा मैंने छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष का आ, पूरा जो है राज्य निर्माण की लड़ाई में पूरे समय उनके साथ रहा चाहे वो लोकसभा लो चुनाव लड़े तो चाहे हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज पार्टी के नाम से विधानसभा का चुनाव करवाया तो पूरे दौरान में मैं पवन दीवान जी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की लड़ाई में पूरी तरह से जुटा रहा इसके बाद में अस्सी में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया हम लोगों की लड़ाई को काफ़ी गंभीरता पूर्वक लेते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विकास परिषद का गठन किया और उसमें आ, हमारे पवन दीवान जी को प्रमुख बनाया और उसके बाद में पवन दीवान जी के साथ साथ ही मैंने लगभग अस्सी में कांग्रेस का प्रवेश किया और उसके बाद ही मेरी सक्रिय राजनीति प्रारंभ हुई जी आपने जब भी आवाज उठाई तो किसानों के मुद्दों को किसानों के विषय को किसानों के दर्द को आपने प्रमुखता से उठाया आप चार बार विधायक रह चुके हैं अभनपुर से अब इस बार आप पांचवी विधानसभा में आप जब चुनाव में लड़ेंगे तो अभनपुर में ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप फिर से चुनाव के मैदान में होंगे देखिए मेरी पहली हमेशा प्राथमिकता रही है किसानों के लिए आज भी हमारा सिंचित क्षेत्र होने के बावजूद गंगरेल में पानी होने के बावजूद पानी नहीं दिया जाता था किसानों के लिए उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी रबी फसल के लिए पानी नहीं दिया उसके लिए लड़ाई लड़ी हम लोगों ने गर्मी में धान बोना पर रोक लगा दिया सरकार ने मोटर पंप से जो धान बोएंगे उसकी फसल जब्ती कर ली जाएगी पंप जब्ती कर ली जाएगी उसकी लड़ाई लड़ी हमने बोनस के लिए लड़ाई लड़ी एक एक दाना धान खरीदी के लिए लड़ाई लड़ी समर्थन मूल्य के लिए लड़ाई लड़ी लगातार हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं मैंने बताया मैंने किसान ही मेरी प्राथमिकता रहा और आज सिंचाई के क्षेत्र में आज मेरा विधानसभा क्षेत्र पंचानवे प्रतिशत से अधिक सिंचन क्षेत्र है और वो भी नहीं सारे नहरों का लगभग पक्कीकरण करने का कार्य मैंने करा दिया सारे सुगमता पूर्वक हमारे इन गांव में पानी पहुंच सके अभी भी जो बचे थे ऐसे नहरों का सबका कर टेंडर करवा चुका हूं अब हमारी सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता होती थी खेती किसानी की पूरे मध्य प्रदेश में तत्कालिक वहां पर कोई दस पंद्रह एक ब्लॉक में दो कृषि उपज मंडी नहीं हुआ करती थी हमने किसानों के हित में उस समय भी जब हम पहली बार विधायक बने तो दो मंडी पूरे मध्य प्रदेश से अविभाजित प्रदेश में एकमात्र भनपुर विधानसभा क्षेत्र था जहां पर दो कृषि उपज मंडी एक साथ स्थापित हुई है तो हमने किसानों का जो भी मुद्दे हैं जितने भी तरह के मुद्दे हैं आज भी जो भी मुद्दे आते हैं हम मैं समझता हूं आज प्रदेश में सबसे पहला मैं एकमात्र विधायक हूं कि लगातार किसानों के मुद्दे को उठाया और इन्हीं मुद्दों के कारण विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी सम्मानित किया है जी अभनपुर में जातिवाद ज्यादा दिखता है साहू समाज के अलावा कोई दूसरी तीसरी शक्ति अभनपुर में टिक ही नहीं पाती या फिर आ ही नहीं पाती क्या वजह है ऐसी देखिए समाज में समाज का होने के नाते अवश्य ही Uh, हम लोगों को हमें ज्यादा अधिक आशीर्वाद मिला है समाज का इसमें कोई मत नहीं लेकिन सिर्फ समाज ही नहीं अन्य समाज के भी लोग मैंने कहा ना हमने किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ा और चूंकि हमारा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है और उसमें चाहे कोई भी जाति के हो साहू के बाद में सतनामी जाति की बड़ी संख्या है और मुझे साहू जाति से तो ज्यादा सतनामी समाज की हमेशा वोट भी मिलता रहा है अन्य और भी सारे समाज के वोट मिले हैं तो हमको को कोई जाति के आधार पर लोगों का समर्थन नहीं काम के आधार पर व्यवहार के आधार पर कि रात दिन जब हम उनके साथ में एक पारिवारिक भावना के साथ जुड़े हैं, उनकी हर समस्या से जुड़े हैं तो यहाँ पर कोई जातिवाद कभी हावी नहीं रहा है काम के आधार पर ही लोगों ने हमेशा फैसला लिया है विधायक जी आपने बात किसानों की इतने साल तक अन्नदाता आज भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया जो खुशहाल और संपन्न हो वो फसल उपजाने में तो काफी आगे बढ़ चुका है आंकड़े तो ये बताते कि उसकी फसलों की उपज बढ़ी है लेकिन मार्केटिंग में उसकी कमर टूट जाती है वो पैदावार तो कर लेगा लेकिन उसको जो वाजिब दाम है वो नहीं मिल पाता यही है देखिए पिछले समय में जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था बोनस की सोच तो कभी भाजपा की हो ही नहीं सकती थी मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी बने इसलिए मैंने ढाई सौ रुपया प्रति क्विंटल इन लोगों ने हमारी हमारी घोषणा का नकल करते हुए इन्होंने दो सौ रुपया कर दिया लेकिन सिर्फ दो साल दिया तीन साल नहीं दिया फिर हम लोग आगामी चुनाव में हमने तत्कालीन उस समय हमारे नंद कुमार पटेल जी अध्यक्ष थे किसानों के हित में हमने यही एक बाजार व्यवस्था जो बात आपने कही हम लोगों ने तय किया कोई समर्थन मूल्य नहीं कोई बोनस नहीं केंद्र सरकार चाहे जो भी समर्थन मूल्य तय करे राज्य सरकार दो हजार कुंटल में धान खरीदी करेगी उससे कम में नहीं और ये हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया कि हम दो हजार क्विंटल में हम धान खरीदी करेंगे जो भी भाव अंतर होगा उसे हम लोग देंगे समर्थन मूल्य के अतिरिक्त लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी चालबाजी करी उन्होंने एक सौ रुपया सपोर्ट प्राइस और तीन सौ बोनस देने का वादा किया लेकिन उन्होंने ना तो सपोर्ट प्राइस दिया आज तक सिर्फ बोनस दिया वो भी दो सालों का बोनस दिया है तो ये चालबाजी उन्होंने करी है अभी भी हम लोग हमारा अभी घोषणा पत्र तो अभी अंतिम रूप नहीं लिया है लेकिन हमारी पूरी कोशिश है एक किसान नेता होने के कारण कि आगामी चुनाव में कांग्रेस अधिकतम किसानों के हक में बात करें किसानों के हक़ में अभी से हमारी कार्य योजना हम लोगों ने बहुत सारे सुझाव किसानों के हित में दिए हैं चाहे वो सपोर्ट प्राइस के बारे में हो चाहे बोनस के बारे में हो चाहे अन्य और भी बोनस से जुड़ी हुई के साथ में उनके कर्जे की बातें हों और बिजली के बारे में हो तमाम वो सारी चीज़ें जो किसानों से जुड़ी हुई है उसमें हम लोग व्यापक हित पर उस पर हम लोग फैसला लेने में सक्षम हो सकेंगे छत्तीसगढ़ के राजनीति में इस बार एक नया मोड़ आया है गठबंधन हो चुका है मायावती जी 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 का का और जोगी जी का, पहले जोगी पहले आपके साथ थे एक मानना यह भी है 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 कि जो है, जो दलित आदिवासी है, उनका वोट हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा है लेकिन जिस प्रकार से अब दोनों का अलग हुआ तो ये वोट आपके टूटेंगे आपके वोट उनमें बटेंगे तो कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है इस बार के विधानसभा चुनाव जीतने में आपको देखिए ये गठबंधन पूरी तरह से असफल साबित होगा समय बताएगा आने वाला समय बहुजन पार्टी का कभी यहाँ पर दो तीन चार परसेंट से ऊपर का कभी जनाधार उनका रहा नहीं है आज तक इतने लंबे राजनीति में हमारे छत्तीसगढ़ में इन हमारे अनुसूचित जाति जनजाति या दलित वर्ग का इन्होंने कभी भी कोई विश्वास अर्जित नहीं किया और यहाँ पर न मायावती ने न उनकी पार्टी ने इन वर्ग के हितों के लिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया इसलिए उनका विश्वास तो अर्जित करना तो दूर की बात है बहुत और भी उनका विश्वास लगभग खत्म होते जा रहा है दूसरी बात अजीत जोगी जी अवश्य ही हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए अजीत जोगी एक नौकर है मैं उनको कभी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं मानता हूँ और अभी तक तो कांग्रेस के बेनर तले वो सफल होते रहे राजनीति में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांत हमारी राष्ट्रीय पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है उसके कारण उसको लीडरशिप आज जो मिली और कांग्रेस के जो नीति सिद्धांत है उसके अनुसार काम किया है उनका बेसिकली सोच कहीं कोई जनहित में उनका सोच जो है नहीं है और आज अभी अलग रा, राजनीतिक दल बना लिया उन्होंने और आ, आज मैं ये समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दल का जिसका कहीं कोई भविष्य नहीं है जिनका कोई कार्यक्रम नहीं जिनकी कोई उपलब्धि नहीं यहाँ की जनता बहुत जागरूक है मतदाता ऐसे लोगों पर ऐसे पार्टी पर कतई भरोसा नहीं करेगी और अपना वोट खराब नहीं करेगी जी छत्तीसगढ़ में संसाधनों की भरमार है लेकिन जो वादे सरकार ने किए थे लेकिन बेरोजगारी काफी हद तक दिखती है युवा हताश है परेशान है रोजगार नहीं मिल पाता क्या वजह है क्यों है स्थिति एकदम इतनी संसाधन होने के बावजूद भी युवा मतदाता इतना परेशान है देखिए सरकार पूरी तरह से रोजगार देने में असफल रही है मैं मानता हूं कि इतने बड़े पैमाने में जितने बड़े पैमाने पर यहां पर बेरोजगारी है आज इसी प्रदेश में लगभग 26 लाख से अधिक युवा लोगों का रोजगार कार्यालयों में पंजीयन है और लगभग हो सकता है कि इससे डेढ़ गुना अधिक और लोग बिना पंजीयन के होंगे लेकिन सरकार मैंने ही विधानसभा प्रश्न में जानकारी मांगी तो इन पाँच सालों में सरकार ने मात्र सत्ताईस हजार लोगों को नौकरी दी है तो देखिए ठीक है मैं मानता हूँ कि सारे बच्चों को नौकरी नहीं दी जा सकती लेकिन उनको रोजगार परक कार्यक्रम तो देने पड़ेंगे उनको उद्योग उनको रोजगार उनको नौकरी चाकरी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती बाहर के लोगों को आके भर्ती हो जाती है उनके हितों का यहाँ का श्रम कानून पालन नहीं करता है उनके संरक्षण नहीं करता है यहाँ का श्रम विभाग जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है नौकरी के अवसर पैदा नहीं किया हमारे खेती किसानी में भी हमारे युवा लोगों का उसमें संलग्नता हो सकती थी लेकिन खेती भी लगातार घाटे का व्यवसाय है तो कौन हमारा आज उसमें आश्रित रहना चाहेगा किसान का हमारा बेटा पढ़ा लिखा है लेकिन चूंकि खेती घाटे का व्यवसाय बन गया लोग रोज किसान मर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज में डूब रहा है ऐसे में कैसे हमारा पढ़ा लिखा युवा किसान किसानी की ओर जाएगा तो किसानी को आप लाभ का व्यवसाय दे दो तो आधे बच्चे तो हमारे किसानी में लग जाएंगे लेकिन ये सरकार पूरी तरह से किसान और खेती को बर्बाद करने में तुली हुई है और इसलिए अधिक बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है यदि हमारा खेती का काम यदि फायदे का काम हो जाएगा तो हमारे सारे बच्चे खेती में लग जाएंगे सरकार के पास फिर नौकरी देने के लिए बहुत कम लोग बचेंगे लेकिन नहीं है किसानों का सर्वाधिक शोषण किसानों के साथ सर्वाधिक अन्याय इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पिछले पंद्रह वर्षों से किया जा रहा है जी छत्तीसगढ़ का नाम आती एक का भी नाम आता है, मतलब है, है समाप्त तो नहीं हो पा रहा है क्या वजह है नक्सलवाद यहाँ से पूरा तरह नहीं जा पा रहा है एक अभिशाप बन के रूप में छत्तीसगढ़ के सर के ऊपर मंडरा रहा है देखिए सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है सरकार चाहती है कि नक्सली समस्या बनी रहे क्योंकि सरकार में ये लोग सत्ता में हैं, इनके पास में खूब फोर्स है ये लोग हेलीकॉप्टर हैं सड़क पर नहीं चलते ये लोग तो अपने सत्ता के बल में जो संसाधन है उसको लेकर के ये लोग तो कहीं भी प्रदेश के किसी हिस्से में चले जा सकते हैं लेकिन विपक्ष विपक्ष पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है विपक्ष पास में न तो सुरक्षा है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हुआ है पिछले इलेक्शन में जब हमारे कांग्रेस के नेतागण वहाँ पर जनता के बीच वोट मांगने अपना कार्यक्रम लेने गए तो वहां पर सरकारी षडयंत्र के चलते नक्सलियों ने तमाम हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं की हत्या कर दी और ये हमारी सबसे बड़ी क्षति हुई है सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ये सरकार चाहती है कि यहाँ पर नक्सल समस्या बनी रहे यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये समस्या अतिशीघ्र ही समाप्त हो सकती है जी ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस को पहले हराना नामुमकिन था मतलब एक बड़ा प्रबल जनाधार था कांग्रेस में कोई भी खड़ा लेकिन आज इतनी दयनीय अवस्था क्यों क्या वजह रह गई है कि एकदम कांग्रेस आज बैकफुट पे है संसद में कम विधायक हैं यहाँ भी पंद्रह साल से आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस वो इतना प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जो उस समय की कांग्रेस कर पाती थी देखिए कांग्रेस का जनाधार आज भी जनता के बीच में है हमारी कम नहीं हुई है पिछले लगातार तीन चुनाव में हमारी सरकार जरूर नहीं बनी लेकिन कितना छत्तीस 37, अड़तीस उनचालीस विधायक तो हमारे बनते आ रहे हैं उससे कम नीचे नहीं गए हम लोग छह सात विधायक का अंतर होते आ रहा है वोट परसेंटेज भी 2003 में भी लगभग वही डेढ़ दो परसेंट से कम थे 2008 में लगभग सवा परसेंट से थे और तो अभी तो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट कम से तो ये कांग्रेस का जनाधार नहीं सिर्फ चुनावी प्रबंधन में अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी हर तरह का छल प्रपंच हर तरह के चुनावी में गलत हथकंडे धन बल का उपयोग सत्ता बल का दुरुपयोग और भी बहुत सारा मैनुपलेसन जो हो रहा है ईवीएम मशीनों में हो रहा है बहुत तरह के चुनाव में धांधलियाँ हो रही इसके है इसके कारण लोग सत्ता में काबिज हैं जनाधार तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जी जब कभी कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात आती है तो टीएस बाबा का जिस प्रकार से नाम आता है भूपेश बघेल का आता है पीएल पुनिया जी का आता है उतना ही चमकदार के तरीके से आपका नाम क्यों नहीं आ पाता एक क्या कांग्रेस में आपकी छवि मतलब कुछ वो कमजोर आप उस क्योंकि आपकी छवि एकदम सौम्य नेता वाली रही है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए एक एक साधारण एक बिल्कुल किसानों से जुड़ा हुआ लेकिन वो वो आपको रोब नहीं बनाए कांग्रेस में ऐसा क्यों देखिए मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहा हाईकमान का विशेष मुझ पर विश्वास और कृपा रही है और मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में लगातार जितने भी कार्य किए हैं मेरे कार्यों पर कभी किसी भी तरह का आंच नहीं लगा है कोई दाग नहीं लगा और सारे इलेक्शन मैंने करवाए ये बात अलग है मेरे नेतृत्व में सरकार नहीं बन पाई इस बात का दुख है और उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण थे आज अब जो भी नेतृत्व तो है यहाँ मेरे द्वारा कहीं कोई स्पर्धा नहीं है और मैं कभी उस दिशा में जाता नहीं हूँ आज जिनको भी हाईकमान के द्वारा नेतृत्व सौंपा गया है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की मेरी नीति रही है कभी मैंने उनका विरोध नहीं किया है और जो भी रहे उन नेतृत्व का पूरी तरह से हमने साथ दिया है और अलग से मैं अपने आप को कहीं कोई बहुत ज्यादा लीडरशिप में साबित करूं ये कभी मेरी मैं इस दौड़ में मैं रहा नहीं है और ये हमारी कांग्रेस की परंपरा भी नहीं रही है जब जब भी हमारी बहुमत आती है तो हाईकमान उसमें से विधायकों की पसंद जानते हुए बहुमत में जो लोग पसंद करते हैं उसी के अनुसार उनको नेता बनाने की प्रक्रिया आज हमारी कांग्रेस की लगातार चल रही है और आगे भी वही होगा जी आपकी महत्वाकांक्षा भली बड़ी नहीं लेकिन आपने कांग्रेस के लिए काफी कुछ किया कांग्रेस को खड़ा करने में या कांग्रेस को हमेशा मजबूती देने में आज सीढ़ी कांड काफी चर्चा में है क्या आपको नहीं लगता चलो वो सीढ़ी सच हो या गलत हो वो एक अलग मुद्दा लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार से सीढ़ी लहराना क्या ये चरित्रहीनता नहीं लगता आपको क्या सीढ़ी कांड से आपको छवि पार्टी का नुक, नुकसान नहीं होगा नहीं देखिए दो बातें हैं एक तो मुझे गर्व होता है कि मुझे इस प्रदेश के उन तमाम ऐसे महान नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला चाहे पंडित श्यामा चंद शुक्ल जी हो मैं तो उन्हीं की राजनीतिक खोज हूँ एक तरह से कहना चाहिए पहला टिकट उन्होंने ही दिलाया विद्याचरण जी के नीचे रह कर के कार्य किया मोतीलाल ओराजी जी के नीचे रह कर कार्य किया दिग्विजय सिंह जी के साथ रह कर के कार्य किया तो उस समय के तत्कालिक नेताओं का संस्कार का मुझ पर बड़ा गहरा असर पड़ा हुआ है और कभी भी हमने राजनीति को स्तरहीन होकर हम लोग राजनीति करें पद हासिल करें ये कभी मेरे सिद्धांत में नहीं रहा कई बार तो घुटन सी महसूस होती है वर्तमान में आज के जो राजनीतिक माहौल को देखते हैं तो कई बार पीड़ा होती है कि आखिर किस दिशा में जा रहा है और कब तक हम लोग टिक पाएंगे ऐसे में हम लोग अधिक समय तक मूल्य की राजनीति शुरू से किया आज भी हम मूल्यों की राज पर आधारित तो राजनीति कर रहे हैं और जब तक हम अपने मूल्यों पर टिके रहेंगे तब तक राजनीति में रहेंगे वरना हम लोग राजनीति से बाहर चला जाना पसंद करेंगे कभी लेकिन हम लोग अपने सिद्धांतों से डिगेंगे नहीं रह गई बात अभी जो सीडी कांड की बात आ रही है देखिए सीडी कांड सत्ता पक्ष के द्वारा सत्ता पार्टी के द्वारा ही प्रायोजित यह कांड है हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी को पूरी तरह से उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश इस सरकार के द्वारा की गई उन्होंने जो सीडी की बात जो आई देखिए उसके पहले ही एक महीना पहले यहां बाजार में सीडी वो आ चुकी थी प्रदेश अध्यक्ष जी का यही कहना था कि एक मंत्री के खिलाफ और अनेक मंत्रियों के खिलाफ इस तरह की सीडी बनाने की जानकारी सत्ता पक्ष के द्वारा दी जा रही है इसमें सच्चाई क्या है ये इन सीडी की जांच होनी चाहिए यह उन्होंने कहा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया यदि किसी मंत्रिमंडल के एक और अनेक मंत्रियों के ऊपर इस तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा सीडी बनाई गई है ऐसी जानकारी पूरे मार्केट में प्रदेश में फैली हुई है इसकी जांच हो प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो इतना ही मांग किया ना लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से उनके ऊपर यह आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है की जा रही थी कि भूपेश बघेल के द्वारा सी बनाई गई और बंटवाई गई जिसमें जबकि पूरी तरह से आज आज इस प्रदेश में पूरी तरह से साफ हो चुका है कि सी हमारे अध्यक्ष जी ने नहीं बनाई ना उन्होंने बंटवाई ये पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुका है सिर्फ उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है जी आपने राजनीति के गिरते स्तर की बात की क्या वजह है जो अस्सी के दशक में रोज राजनीति थी एक एक चर्चा होती थी शोर होता था लेकिन मुद्दा होता था जनता का विकास का लेकिन आज वो सब मुद्दे धरातल में चले गए एक ओछी राजनीति दिखाई पड़ती है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो ऐसा किया हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ लेकिन क्यों नहीं उस जनता जनार्दन के एक नए विजन की बात होती नई योजनाओं की बात होती है आपने तो वो वो वाली राजनीति देखी ना आज की क्यों आपने जैसे जिक्र भी किया कि ज्यादा नहीं टिक पाएंगे क्या वजह इतना स्तर गिर गया है आज राजनीति देखिए धीरे धीरे लोगों का सोच का काम करने के तरीके का जो जिस तरह से आज बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है लोग लोगों की स्पीड बढ़ गई है लोग ये सोचते हैं आजकल बहुत सारे लोग कि राजनीति में बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया जाए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर लिया जाए खूब सानु शौकत इकट्ठा कर लिया जाए खूब धन से संपन्न हो जाए बहुत लोग आज जो राजनीतिक शुरुआत करते हैं शायद यही लक्ष्य लेकर के चलते हैं मैं तो हमेशा यही माना है राजनीति पद सेवा करने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है आप यदि पद में नहीं है एक सीमित लोगों की सेवा कर सकते हैं यदि आप पद में हैं, आप सत्ता में हैं, तो एक साथ करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाने की स्थिति में आप पहुंच सकते हैं तो पद सेवा करने के लिए होता है पद अपनी सेवा करके अपनी प्रतिष्ठा या अपना जो हैसियत है वो बढ़ाने के लिए नहीं है जनता की हैसियत बढ़ाने के लिए पद होता है कि हम आज आम गरीब आदमी की हैसियत कैसे बढ़ाएं हम किसानों की हैसियत कैसे बढ़ाएं हम युवाओं को कैसे रोजगार दें आज हमारी माता बहनों की अस्मिता की हम कैसे रक्षा कर सकें ये पद और सत्ता इन चीज़ों के लिए होती है ये तो हमेशा मैंने ये मान करके चला है जी श्याम चरण जी ने आपको राजनीति में लेकर क्या है आप में ऐसा क्या देखा कि वो आपको राजनीति में लेकर क्या है या फिर क्या कुछ सम्बन्ध थे जिसको वो आप राजनीति में आप, आपको लेकर के है नहीं मेरा तो उनसे पहले अधिक कोई परिचय भी नहीं था जी। नब्बे में जब उन्होंने मुझे पहली बार टिकट दिलवाया तो वो उनका एक सर्वे था कि देखो कि कोई अच्छे घर के लड़के हों अच्छे साफ सुथरा चरित्र के लोग हो, ईमानदारी से मेरे अनुरूप काम करने के लायक जैसी उनकी सोच है श्यामा चरण जी की मेरे विचारधाराओं के अनुरूप जो काम करने वाले लोग हो सकते हैं ऐसे लोगों की उनने सर्वे कराई थी और उसी के तहत मुझे मैं पता नहीं उन्होंने क्या गुण पाया कि उन्होंने पहली बार मुझको नब्बे में चुनाव लड़ने को आ, उन्होंने अवसर प्रदान किया फिर तिरानवे में भी उनके ही द्वारा मुझे टिकट दिलाई गई अंठानवे में, में भी मुझे मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह सम्मिलित कराने में भी उनका ही बहुत बड़ा योगदान था और उस समय हमारे सिंचाई मंत्री थे रामचंद्र देव जी रामचंद्र सिंह देव जी को उन्होंने यह कर करके मुझको उनके अंदर राज्य मंत्री बनाया जैसे आप ईमानदार हो वैसे ही एक ईमानदार आदमी आपके साथ सहयोगी दे रहा हूँ आप दोनों मिलकर के सिंचाई योजनाओं पर काम करो किसानों पर काम करो ये उनका मुझ पर बहुत अटूट स्नेह और विश्वास था श्यामा भैया जी का जी आपने विद्याचरण जी का भी कार्यकाल देखा श्यामचरण जी दिग्विजय सिंह रमन सिंह अजीत जोगी सबका ये आपने कार्यकाल देखा क्या कुछ फर्क दिखता है क्या कुछ नया देखते देखिए मैं तो युवा था तब से मैंने और भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का देखा मैंने <coughs> कैलाश जोशी जी वीरेन्द्र सकलेजा जी अर्जुन सिंह जी लाल पटवा जी श्यामाचरण जी दिग्विजय सिंह जी विद्याचरण जी मोतीलाल ओरा जी सभी का मैंने देखा है और सबकी अपनी अपनी एक अलग विशेषता लेकिन हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में आज जैसे श्याम भैया का हमेशा एक सोच होती थी व्यक्तिगत कामों को कम प्राथमिकता देते थे सामूहिक कार्य ऐसे काम को ज्यादा महत्व देते थे जिसमें एक साथ लाखों करोड़ों लोगों का भला हो ऐसे कामों के लिए काम ज्यादा देते थे उसी तरह से ओरा जी भी अर्जुन सिंह जी भी अच्छे कुशल प्रशासक थे साफ सुथरी राजनीति और जनहित के कामों में ही पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करते रहे हैं हमारे सभी कांग्रेस नेताओं का एक से एक बढ़कर के व्यक्तित्व था और उससे मैं पूरी तरह से प्रभावित रहा जी लास्ट मेरा अंतिम सवाल छत्तीसगढ़ की माटी के लिए आप और क्या नया विजन देखते हैं कौन सा सपना देखते हैं कौन सा नया छत्तीसगढ़ देखते हैं जो आप साकार करना चाहते हैं और एक नए छत्तीसगढ़ की छवि के लिए क्या आपके पास अभी विजन है जो आप अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए या फिर और आगे करने की क्या संभावनाएं आपको दिखती है सिर्फ इसी भावना के साथ आज भी मैं राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ कि जिस दिन भी हम लोगों को अवसर मिलेगा सत्ता में हम लोग आ सकेंगे तो अपनी सोच को अपनी भावनाओं को हम लोग कार्य रूप दे सके जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा राजनीतिक शुरुआत किसान को लेकर और छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर हुई थी आज हम लोग को बहुत पीड़ा होती है जिन हमारे स्वप्न दृष्टाओं ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के पूर्व ऐसा मेरा छत्तीसगढ़ होगा जो सपना देखा था आज वो सपना चकनाचूर हो चुका है यहाँ सब कुछ दिया है प्रकृति ने हमें जंगल दिए हैं खनिज संपदा दिए हैं वन दिए हैं नदियाँ दिए हैं नाले दिए हैं और बहुत मेहनत कस हमारी मानव संपदा दिया है लेकिन हम लोग भटक गए हैं ये मानव संपदा का आज हम लोग सदुपयोग नहीं कर रहे हैं जंगल का जमीन का पानी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और किसान आज भी दुखी है यहाँ पर आज भी लोग तमाम बेरोजगार हैं एक सपना देखा था कि हमारे इन जंगलों का खनिजों का नदियों का पानी का सुंदर दोहन करके यहाँ एक एक खेत की बारो महीना हम पानी दे सकेंगे फसल लह रहा यहाँ एक भी गरीब नहीं होगा किसान हमारा एक भी युवा बेरोजगार नहीं होगा ये सपने देखे थे लेकिन सारे सपने आज चकनाचूर हो गए चंद लोगों का यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ बन करके रह गया है चंद लोग ही आज यहाँ पर विकास कर रहे हैं आम छत्तीसगढ़िया आदमी रोज गरीब हो रहा है रोज खेती किसानी बिक रही है मजदूर और मजदूर होते जा रहे है गरीब होते जा रहे है लेकिन चंद जो उद्योगपति हैं, जो इन्हें गिने हैं इस प्रदेश में मुश्किल से कहीं पचास सौ लोग होंगे जिनका ही विकास हो रहा है बाकी लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है और यदि हम लोगों को अवसर मिलेगा तो जो सपना देखा गया था कि एक एक खेत में हम बारह महीना पानी दे सके बारह महीना उनको बिजली दे सके उनकी गरीबी दूर कर सके किसानों को संपन्न बना सके हमारे युवा एक भी बेरोजगार न, न रहे सारे रोजगार आ, से हमारे युवा जो है लेस हो हमारी माता बहनों की अस्मिता की रक्षा हो सके ये ऐसा छत्तीसगढ़ हम लोग बनाए यही हम लोग का एक सपना बाकी है कि जब भी यदि ऐसा अवसर मिलता है तो हम लोग अपने इन सपनों को हमारे महान स्वप्न दृष्टाओं के सपनों को हम लोग साकार कर सकें अब आगे राजनीति में सिर्फ यही लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं जी अब तो हमने सारी चर्चाएँ कर ली ले, लेकिन जो कोई सवाल जो हमसे ना निकला हो ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का किस्सा जो आप सुनाना चाहते हो या बच गया हो फिर आप जैसे राजीव महाकुंभ में आपका काफ़ी योगदान था विकास में टूरिज्म का काफ़ी है ऐसे कोई खास किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ एक नया किस्सा जो एक आपकी यादों संस्मरण में सुरक्षित रहा हो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के पीछे जो आर्थिक शोषण भी एक बड़ा कारण था वहीं सांस्कृतिक शोषण भी बहुत बड़ा कारण था कि हम लोग अपनी ही संस्कृति को अपने ही विरासत को चाहे लोक कला की हो लोक वेशभूषा की हो लोक खान पान की हो लोग हमारे पर्व की हो तीज त्योहार की बातें हो, हम लोग सांस्कृतिक रूप से हम लोगों के अंदर ऐसा भर दिया गया था कि बहुत हम लोग पिछड़े हैं बहुत छोटे हैं हम अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहलाने में भी शर्म महसूस करते थे जो उस समय की पीढ़ी होती थी उसमें हमने गौरव भरने की कोशिश करी जितने भी हमने आ, हमारे यहाँ के तीर्थ स्थल रहे जितनी भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की चीजें रहीं उसका महत्व बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर सभी जगह एक महोत्सव को प्रारंभ कराया राजीव लोचन महोत्सव हमने प्रारंभ कराया प्रारं कवियों प्रारं को यहाँ के, के लेखकों को हमने प्रोत्साहित किया यहाँ के कलाकारों को राजीव महोत्सव में एक साल में छह हजार कलाकारों को राज्य का मंच हमने प्रदान करवाया था विभिन्न कवि सम्मेलन का आयोजन करके स्थानीय हमारे जो संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग थे उनको हमने काफी ऊपर लाने की कोशिश करी है और मैंने अपने एक क्षेत्र में सुरता का आयोजन कराया था का कार्यक्रम ही नाम ही सुरता है पुरखौती मुक्तांगन मेरा प्रारंभ किया गया था नामकरण मेरा है पुरखौती पुरखा माने पुरखों से मिली हुई जो है मुक्तांगन हमने कल्पना करी थी कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक उसके लिए हमने 200 एकड़ जमीन भी अधिग्रहण किया कि हम पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरा तहसीलवार भू नक्शा बना करके वहां की हमारी देवी परंपरा खानपान रहन सहन सारी चीजों को हम लोग वहां पर एक जगह प्रदर्शित कर सके मैंने श्रोता का कार्यक्रम कराया हमारी बहनें कैसे उस समय माता-बहनें पहनती थी वेशभूषा कैसे पहनती थी क्या हमारे यहां के थे इस प्रदेश की आ, क्या लोक कला क्या संस्कृति हर चीज को हमने प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हमने श्रोता का कार्यक्रम प्रारंभ कराया था और उससे बहुत अधिक सांस्कृतिक जागरूकता पैदा हुई थी और आज भी हमारी यही कोशिश होगी यदि हमारे हाथ में सत्ता आती है हमारे कांग्रेस के हाथ में तो हम लोग यहाँ के सांस्कृतिक जो उत्थान है उसके लिए हम लोग और भी काफी तेज गति के साथ काम करेंगे ताकि हमारे राज्य की जो हमें एक पुरखों से मिली है विरासत में इसको हम लोग और कैसे अधिक से अधिक उभार सकें कैसे हम लोग इसको और भी अधिक हम लोग लोगों के बीच में उसको आ, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें क्योंकि मेरा एक मानना रहा है कि आदमी के जीवन की तरक्की में खुशहाली में समृद्धि में यदि हम उनके धर्म और संस्कृति को हम लोग आधार बना दें तो हम अधिक से अधिक और भी उन्नति और प्रगति हम लोग कर सकेंगे हमारे साथ थे अभनपुर के विधायक धरेंद्र साहू जी जो काफ़ी सौम्य स्वभाव वाले हैं आज भी उनका कड़ा आरोप है कि राजनीति का स्तर गिरता हुआ जा रहा है छत्तीसगढ़ के संस्कृति के विकास के लिए उन्होंने बात की छत्तीसगढ़ के धर्म को लेकर के बात की यहाँ के युवाओं के लिए उन्होंने बात की आज के विशेष बातचीत में थे हमारे साथ कैमरामैन मनीष गौतम के साथ मैं सारंग